अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज करवा रहा हूँ हमारा लेसन नंबर 6 है द ट्विंस, जो एक पोइम है और उसके आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्विंस रिजेंबल एज मेंशन्ड इन द पोइम, के हमने बताना है कि जो ट्विंस हैं वो एक दूसरे से किस तरह मिलते जुलते थे, पोइम में किस तरह बताया गया है। इसका आंसर ये है, इट इज़ मैंशन इन द पोइम, पोइम में मैंशन किया है, पोइम में बताया गया है, इट इज मैंशन इन द पोइम, पोइम में बताया गया है, इट इज मैंशन इन द पोइम दैट द ट्विंस वर आइडेंटिकल, कि वो बिल्कुल एक दूसरे की तरह थे, देवर बोथ आइडेंटिकल इन फॉर्म फीचर फेस एंड लिम्ब, कि वो फॉर्म फीचर फेस और लिम्ब में एक दूसरे की तरह थे। तो ये चार चीज़ें जो हैं ये हमने पोइम में पढ़ी थी, फॉर्म फीचर फेस एंड लिम्ब, ये चार चीज़ें जो थीं ये उन दोनों की आइडेंटिकल थीं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल टेक देम, के लोग उनको किस तरह लेते थे, लोग उनके बारे में क्या ख्याल करते थे, हाउ डिड द पीपल टेक देम। तो इसका आंसर ये होगा, द पीपल टुक देम, The people took them to be same. लोग उनको एक ही समझते थे, the people took them to be same and they could make no difference between them. के लोग जो थे वो उनको बिल्कुल एक ही समझते थे और उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं थे कर सकते, द पीपल टुक देम टू बी सेम एंड कुड मेक नो डिफरेंस बिटवीन देम। इसको आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, एंड कुड नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन देम, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा तीसरा सवाल है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम रीड कर लेते हैं और देखते हैं उसने हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें वो हमसे पूछ रहा है कि व्हेन डिड द ट्विंस मिक्स अप, ट्विंस जो थे वो कब मिक्स हुए थे। इसका जवाब हमने पढ़ा था जब हम पहले इसकी ट्रांसलेशन कर रहे थे, ट्विंस कब मिक्स हुए थे, जब नर्स जो थी वो उन दोनों को नहला दुला रही थी, उस वक्त दोनों ट्विंस मिक्स हो गए थे। द ट्विंस गॉट मिक्सड अप, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, द ट्विंस गॉट मिक्सड अप, मिक्सड अप व्हेन, कब, व्हेन दे वर बीइंग वॉश्ड, जब उनको धोया जा रहा था, नहलाया जा रहा था, when they were being washed by the nurse, तो जब नर्स उनको नहला रही थी उस वक्त वो दोनों मिक्स हो गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वो हमसे पूछता है, what happened to the twins when they were at school, जब दोनों ट्विंस, दोनों जुड़वा भाई स्कूल में होते थे तो इनको उनके साथ क्या होता था। तो इसका आंसर ये होगा, When they were at school, जब वो स्कूल में थे तो उनके साथ क्या होता था, When they were at school, जब वो स्कूल में थे, When they were at school, they were caned for, cane कहते हैं छड़ी से मारने को, they were caned for द फॉलीज, फॉलीज कहते हैं गलती को या शरारत को, कि
जब कोई एक शरारत करता था वो दूसरे को मार देते थे, दूसरा शरारत करता था तो पहले को मार पड़ जाती थी. दे वर केन फॉर द फॉलीज ऑफ ईच अदर. ठीक है, उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट क्वेश्चन डिड द पोएट आस्क इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम. कि पोएम की आखिरी लाइन में शायर क्या कहता है, तो वो उसने क्या कहा था आखिरी लाइन में, उसने आखिरी लाइन में पूछा था लोगों से कि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते. तो इसका हम आंसर लिखते हैं इंग्लिश में कि द पोएट आस्क द रीडर्स. रीडर्स कौन है जो उसकी पोएम पढ़ रहे हैं. द पोएट आस्क द रीडर्स, द पोएट आस्क द रीडर्स वॉट दे वुड डू, वॉट दे वुड डू, वो क्या करते इफ दे वर इन हिज पोजिशन. कि अगर वो पोइट की जगह रीडर्स होते तो रीडर्स, हम जो पोइम पढ़ रहे हैं, जो रीडर्स उसकी पोइम पढ़ रहे हैं, हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते, हाउ वुड दे, वॉट वुड दे डू इफ दे वर इन हिज पोजिशन, हाउ वुड दे अपनी शिनाख्त वो कैसे करवाते, हाउ वुड दे गेट देम सेल्व्स आइडेंटिफाइड. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे 5 क्वेश्चन और इनके आंसर्स हमने इस तरह से करने हैं.